Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका testbook.com में। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट लिए और इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो गेट 2022 के स्कोर पर होने वाला है और हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम जानेंगे क्या क्या डिटेल्स हैं इस नोटिफिकेशन में जो दी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी स्ट्रक्चर और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, और उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो आइए शुरू करते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं POSOCO.IN। इस वेबसाइट पर आप इस नोटिफिकेशन को कैरियर सेक्शन में चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपके जो रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशन के लिए वो गेट 2022 के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद शुरू होंगे, यानी अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए। जब गेट 2022 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। एज लिमिट यहां पर 28 साल रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने देखिए फुल टाइम बीटेक बीएससी या इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री करी हो 65% नंबरों के साथ। सैलरी की बात करें तो पे स्केल 60,000 से 1,80,000 वाला रहेगा, यानी मिनिमम कम से कम 60,000 रुपए तो आपको बेसिक पे मिलेगी, उसके ऊपर से आपको कई सारे जो अलाउंसेस में वो दिए जाएंगे। तो सैलरी जो है ना आपकी बहुत अच्छी होने वाली है यहां पर। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए आपका गेट 2022 का स्कोर, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, ये आपके सिलेक्शन का आधार होने वाले हैं। टोटल 100 नंबर का यहां पर वेटेज होगा, इसका हम बाइफरकेशन नोटिफिकेशन के अंदर चेक करेंगे। चलिए नोटिफिकेशन पर चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई गई इस नोटिफिकेशन में। तो अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल में निकला हुआ है ये। वैकेंसीज देखिए अभी नहीं आई है, वैकेंसीज जो है वो थोड़े टाइम में अपडेट हो जाएंगी, लेकिन अभी वैकेंसीज अपडेट नहीं हुई है। अब देख एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो क्वालिफाइड इन द गेट 2022, सबसे पहले तो आपने गेट 2022 क्वालिफाई किया हो इनमें से किसी ब्रांच में। ये देखिए असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो गेट का होता है वो आपने क्वालिफाई किया हो। एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट आपकी 28 साल रखी गई है। एज लिमिट की कट ऑफ डेट है 21 जुलाई 2022, यानी 21 जुलाई 2022 को जो आपकी एज होगी वही आपकी फाइनल एज मानी जाएगी। अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट है आपकी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। अब इसमें देखिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जो है इसमें देखिए आपकी सैलरी रहेगी 60,000 से 1,80,000 के बीच में, ये आपका पे लेवल हो गया। और असिस्टेंट इंजीनियर में भी आपकी सैलरी रहेगी 1,00,000 सैलरी रहेगी 60,000 से 1,80,000 के बीच में। अब देखिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनी में आपने फुल टाइम बीटेक वगैरह किया हो 65% नंबरों के साथ, और आपने असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट लिया आपने फुल टाइम एमटेक वगैरह किया हो और आपके बीटेक में जो है वो 65% नंबर होने चाहिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। उसके बाद देखिए और क्या जानकारी दी हुई, रिलैक्सेशन वगैरह जो है वो आपको कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स को 3 साल का, एससीएसटी को 5 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ये आपके रिलैक्सेशन हो गई। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है वो गेट का स्कोर हो गया, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, ये आपके सिलेक्शन का आधार होने वाले है। इसका वेटेज देखिए किस तरह से रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है इंटरव्यू में वो मैं आपको बता देता हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी एनसीएल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। अब वेटेज के देखिए यहाँ पर पैरामीटर्स क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो गेट का स्कोर है वो 85% वेटेज का रहेगा, ग्रुप डिस्कशन 3% का वेटेज और पर्सनल इंटरव्यू का 12% का वेटेज रहने वाला है। तो इस तरह से आपका 100% वेटेज है, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो 85% है आपके गेट 2022 के स्कोर का। तो ये यहाँ पर वेटेज हो गया। बाकी सारे कंपनसेशन पैकेज वगैरह जो है ना आपको बताया 60,000 से 1,80,000 रुपए आपकी बेसिक पे रहेगी, उसमें आपको क्या मिलेंगे कंपनी लीज्ड एकोमोडेशन या कंपनी क्वार्टर या फिर एचआरए जो भी अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा। मंथली कन्वेंस फीस मिलेगी, आप कन्वेंस चार्जेस मिलेंगे, मोबाइल फैसिलिटी, ग्रुप इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट और बाकी जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं ना एचआरए वगैरह मिलते हैं वो सारे आपको अलग से दिए जाएंगे। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड यहाँ पर देखिए क्या है, 1,00,000 रुपए का ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 50,000 रुपए का यहाँ पर सर्विस बॉन्ड रखा गया है।
तो ये इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और बाकी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर समय समय पर अपडेट होकर मिलती रहेगी। तो ये था नोटिफिकेशन जो रिलीज किया है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट लिए, जिसमें रिक्रूटमेंट होगा गेट 2022 के स्कोर के बेसिस पर। और जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देखिए आपको मिलते हैं इस टेस्ट बुक पास में। इस टेस्ट बुक पास में आपको 400 प्लस एग्जाम्स के 26,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए टेस्ट बुक प्रीमियर लीग भी चल रही है, यानी लाइफ टाइम टेस्ट बुक पास आपको मिल रहा है सिर्फ ₹499 में। और आपके पास मौका है हर दिन मेगा प्राइजेस जीतने का। और अभी देखिए यहाँ पर मेरा कूपन कोड YT5 अगर आप यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी YT5 अप्लाई करने पर 499 वाला जो पास है वो हो जाएगा आपके लिए 475 का। तो कूपन कोड आपको यूज करना है YT5 एडिशनल 5% के डिस्काउंट के लिए। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।